अच्छा, हम आज थोड़ा सा व्याकरण के ऊपर काम करने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं कि व्याकरण बहुत जरूरी है किसी भाषा को सीखने के लिए, है ना। लेकिन व्याकरण पहले सीख करके भाषा सीखी जाए या पहले भाषा सीख के व्याकरण सीखते हैं? जो छोटा सा बच्चा होता है वो कहता है मुझे पानी दो, तो क्या वो व्याकरण सीख के आता है? तो वो पहले भाषा सीखता है ना। तो जरूरी नहीं है कि व्याकरण सीखने के बाद ही भाषा सीखी जाए, भाषा सीख ली जाती है उसके बाद हम समझते हैं कि कहाँ पर, है ना, जब सही समय होता है तब हम व्याकरण सीखते हैं, तो हमें पता चलता है कि हाँ कहाँ पर हमें क्या चीज। तीन साल का बच्चा सारे सब तरह की बातें करने लगता है ना, पर व्याकरण उसे नहीं आती है, पर भाषा तो वो आती है, बोलता है हिंदी खूब अच्छे से बोलता है, अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे अंग्रेजी बोलते हैं, और भाषा के बच्चे जो होते हैं वो और भाषा में बोलते हैं, पर उस समय व्याकरण नहीं सीखा होता है, ठीक है। तो आज हम लोग जो मुख्य भाषा में जो मुख्य चीजें हैं वो उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये कि जब भी भाषा का विकास हुआ हमने हर चीज को एक नाम दिया, है ना। छोटा सा भी बच्चा है तो आप देखेंगे कि वो पानी मांगता है तो पहले पानी नहीं बोल पाता, तो वो ऐसे से इशारा करेगा, मम मम करेगा, है ना, कि मुझे पानी चाहिए, है ना। तो बिना किसी नाम के, है ना, किस बिना किसी नाम के आप चीज नहीं मांग सकते। अब कई बार बच्चा ऐसे इशारा करता रहता आपको समझ में नहीं आता मांग क्या रहा है, है ना। तो हर चीज के लिए एक नाम जरूरी है, ठीक है। कई बार बच्चा इशारा करता है कि मुझे ये चाहिए, पर वो भाषा उसके पास नहीं होती है, है ना, क्योंकि उसे नाम नहीं मालूम है। तो आप परेशान होते रहते हैं, माएं परेशान होती है कि मांग क्या रहा है, बड़ी देर तक समझ में नहीं आता है, फिर जब वो इशारे से छू के बताता है तब पता चलता है कि अच्छा ये इस चीज को मांग रहा है। तो जब भी भाषा का विकास हुआ हमने हर चीज को एक नाम दिया, ठीक है, हमने नाम दिया, हमने मेज दिया इसको, इसको हमने किताब का नाम दिया, इसको हमने चौक का नाम दिया, इसको हमने पर्स का नाम दिया, हमने लोगों को नाम दिया। बच्चा पैदा होता है उसको हमने नाम दिया, उसके माता पिता को नाम दिया, पेड़ पौधे हवा फूल सबको हमने नाम से बुलाया, है ना। और जैसे ही कोई नई चीज का आविष्कार होता है सबसे पहले उसे नाम दिया जाता है, है ना। कोई भी चीज का अगर मान लीजिए नया कोई चीज आविष्कार हुई तो भी उसको नाम दी जाती है। तो किसी भी चीज को बिना नाम के हम नहीं कर सकते हैं, और जो नाम होता है उसको हम कहते हैं संज्ञा, हिंदी में क्या कहते हैं, अब कोई भी नाम। अब संज्ञा में क्या हुआ, किसी व्यक्ति का नाम, है ना, किसी वस्तु का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी स्थान का नाम, लखनऊ मुंबई अमेरिका जापान ये सारे जगहों के नाम। तो किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान या जाति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा में पांच उंगलियों में पांच चीजें याद कर लीजिए। सबसे पहले क्या, व्यक्ति का नाम, ठीक है। अब मान लीजिए हमने, देखो हमने ये हाथ बनाया, हम ये देखो हाथ बना रहे हैं, ठीक है, ये आंटी ने अपना हाथ बनाया, ठीक है, ये आंटी का हाथ है। अब इन हाथ की उंगलियों पे आप अपने नाम समझ लीजिए, मतलब संज्ञा समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले हो गया व्यक्ति, सबसे पहले व्यक्ति को नाम दिया, ठीक है। दूसरे में हमने दिया वस्तु, ठीक है ना, फिर हमने दिया स्थान यानी कि जगह, ठीक है, फिर हमने दिया जाति, है ना, जाति में सैनिक किसी भी तरह के, है ना, शेर या कोई भी चीज जाति हो गई, और उसके बाद हमने भाव, ठीक है। इन पांचों चीजों को मिलाकर हमने क्या बनाया, संज्ञा। और ये संज्ञा क्या हुई है, सारे नाम, ये पांचों चीजें मिलकर के क्या बनती हैं, नाम। अब आपने गेम खेला है नेम प्लेस एनिमल थिंग का नाम सुना, खेलते हो आप लोग, है ना। उसमें हमने जैसे मान लीजिए चार कॉलम ऐसे दिए, है ना, ठीक है। अब इसमें हम लोग जैसे देते नहीं है नेम प्लेस एनिमल थिंग, अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में हम वही बोलेंगे व्यक्ति वस्तु स्थान और जाति, है ना। तो ये खेल खेलते बहुत से लोग जिसमें हम देते हैं नेम प्लेस एनिमल एंड यहाँ पे थिंग, है ना। अब आपने देखा होगा कि एक बच्चा बोलता है ए बी सी डी बोलता है, अगला बच्चा उसको स्टॉप करता है ना। तो पी पे मान लो आया तो वो पी से सारी चीजें लिखता है,
है ना। इसी तरह से हम हिंदी में भी कर सकते हैं, है ना। जैसे आप खड़े होइए, हाँ आप मन में क ख ग बोलिए, स्टॉप किस किस अक्षर पे आए, ख पे, ठीक है। तो अब मान लीजिए ख अक्षर पे हम आए, तो हम ख से किसी का नाम, है ना, ठीक है। फिर ख से किसी जगह का नाम, है ना, फिर ख से किसी वस्तु का नाम, एनिमल और किसी वस्तु का नाम। तो ये सारे नाम हुए, है ना, और ये सब नाम क्या हुए, संज्ञा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर देखिए, आपने ध्यान से अच्छे से समझा, ये आपका हो गया संज्ञा, ये आप समझे अच्छे से, यहाँ पर क्या है आपका संज्ञा। इसके बाद हम दूसरी चीज जो समझते हैं वो है सर्वनाम, सर्व नाम। अब देखो इसको तो समझना आसान है, है ना, संज्ञा, ठीक है। अब नाम की जगह हम जो यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम, है ना, नाम से पहचानो, ये हो गया संज्ञा, और नाम की जगह जो हमने इस्तेमाल किया उसको हो गया सर्वनाम। जैसे मुंबई बहुत बड़ा शहर है, इसमें मुंबई क्या हुआ, संज्ञा, है ना, और वहां पर बहुत तेज बारिश होती है, तो वहां वहां क्या हुआ, सर्वनाम। हमने दोबारा मुंबई नहीं बोला, है ना, हम चाहते तो बोलते मुंबई बहुत बड़ा शहर है, मुंबई में बारिश होती है, मुंबई में बहुत से लोग रहते हैं, तो बार बार हम मुंबई नहीं बोलेंगे, बार बार हम मुंबई की बोलने की जगह हम उसकी जगह वहां बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वहां। तो वहां, यहां, मैं, अपने, तुम्हारा, उसका, ये सारे शब्द जो हैं सर्वनाम कहलाते हैं, क्योंकि ये नाम की जगह यूज होते हैं। समझ में आया, तो पहला हो गया संज्ञा, और दूसरा जो हम इस्तेमाल करते हैं सर्वनाम, वो होता है नाम की जगह, ठीक है। नाम की जगह हम जो यूज करते हैं वो हो गया सर्वनाम। सबको समझ में आया, हाँ, ठीक है। अब इसके बाद जो तीसरा हम देखेंगे, हाँ, पहले हम ले लेते हैं विशेषण, चलिए ठीक है, विशेषण ले लेते हैं हम, ठीक है। अब विशेषण क्या होता है, विशेषण देखो इन चीजों से पहचानो, नाम से पहचानो, नाम की जगह, ठीक है। विशेषण है जो विशेषता बताए, ठीक है, जो विशेषता बताए, है ना, विशेष मतलब कोई खास बात, जो विशेषता बताए, ठीक है, जो उसके बारे में कोई खास बात बताए, समझ गए। और इसकी सबसे खासियत क्या होती है कि ये हमेशा संज्ञा को बताता है, ठीक है, ये आपको संज्ञा के बारे में बताता है, संज्ञा की विशेषता बताता है। समझ में आया, तो पहला क्या हुआ, संज्ञा, यानी कि कोई भी नाम, ये सब हो गए। उसके बाद क्या हुआ, सर्वनाम, जो नाम की जगह हम यूज करते हैं, ठीक है। तीसरा हो गया विशेषण, जो विशेषता बताए, उसके बारे में कुछ खास बात बताए, ठीक है। अब इसके बाद आखिर में हम लेते हैं क्रिया, ठीक है, ये क्या है, क्रिया, 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 क से क्रिया, क से काम, ठीक है। इससे पहचानो हमेशा काम वाले शब्द, समझ में आया। अब हम इन चीजों को किन चीजों से पहचानेंगे, नाम, सर्वनाम में नाम आ रहा है, ठीक है, विशेषण में विशेष आ रहा है, विशेषता मिल रहा है ना दोनों, और क से क्रिया, क से काम। तो आप हमेशा पहचानोगे आप ऐसे, संज्ञा आपका हो गया जो आपके पांचों ये चीजें, है ना, मेन हो गया नाम, नाम की जगह जो यूज किया वो क्या हो गया, उसके बाद जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताया उसको क्या हो गया, विशेषण, और क से क्रिया, क से काम, ठीक है। अब हम आपको सेंटेंसेस दे रहे हैं और आप हमें बताएंगे कि इनको कहां पर हम किस शब्द को कहां पर लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पे एक सेंटेंस लिखते हैं, फिर हम उसको अलग अलग उसमें आपको बताएंगे, ठीक है। पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है, Thank you.
एक मिनट रुको। अब इसको जरा पढ़िए, क्या लिखा है हमने? सेंटेंस है हमारा। अब इसमें से हम इन चारों में डालेंगे। बताइए सबसे पहले संज्ञा क्या लेंगे हम? रसोईया और दोनों चीजें नाम हो गई। ठीक है, तो हमने संज्ञा में क्या डाला? रसोईया और धोती। ठीक है, अब सर्वनाम में हम क्या डालेंगे? अपनी, क्योंकि इसमें ये नहीं लिखा है कि रसोइये ने रसोइये की धोती बदल, समझ गए? रसोइये ने अपनी, तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे? अपनी। ठीक है, अब विशेषण, जो विशेषता मैली, यानी धोती की विशेषता बता रहा है वो, है ना, धोती के बारे में बता रहा है, तो मैली हो गया विशेषण। ठीक है, हमने मैली को यहाँ पर लिखा, और क्रिया क्या हुआ? नहीं बदली, है ना, बदली या नहीं बदली, ये हमारा हो गया क्रिया। ठीक है, नहीं बदली, तो ये हो गया काम। समझ में आया सबको? हाँ, अच्छा, अब हम दूसरा सेंटेंस लिख रहे हैं। ये जरा पढ़ के बताइए क्या लिखा? हाँ, अब इसमें क्या आप मेरी बड़ी बहन से मिली हैं? अब इसमें सबसे पहले हम ढूंढते हैं संज्ञा। संज्ञा, संज्ञा क्या हुआ? बहन, केवल जो बहन है वो हो गया संज्ञा। ठीक है, अब सर्वनाम में क्या हुआ? आप और मेरी। ठीक है, ठीक है, ये हो गया सर्वनाम। अब विशेषण क्या हुआ? विशेषण बड़ी, जो विशेषता बहन की विशेषता बताए। समझ में आया? जो बहन की विशेषता बताए कि कैसी बहन है? बड़ी बहन है। यहाँ पर कैसी धोती है? इसको हमेशा प्रश्न करके भी हम पूछ सकते हैं, है ना, कि कैसी बहन है? बड़ी बहन है, छोटी बहन है, छोटी है, बड़ी है, समझ गए? ये आ गया आपके विशेषण में। ठीक है, और क्रिया में क्या आया? ठीक है, मिलना। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब है जो परिश्रम करेगा, ये सेंटेंस पढ़ो। फल अब इसमें बताइए संज्ञा क्या हुआ? फल, फल किसी चीज का नाम हुआ ना। ठीक है, तो संज्ञा क्या हुआ? फल हुआ। अब सर्वनाम क्या हुआ? अच्छा, सर्वनाम क्या हुआ? हाँ, मीठे। ठीक है, नहीं, सर्वनाम क्या हुआ? वही। ठीक है, वही किसी व्यक्ति के लिए यूज हुआ है ना। ठीक है, और विशेषण क्या हुआ? मीठे। और क्रिया में परिश्रम और खाएगा। ठीक है, अब हम आपको कुछ सेंटेंस देंगे और उन सेंटेंसेस को आप इनको अलग अलग अब अपने आप करेंगे। ठीक है, हाँ,
अब इसमें से एक सेंटेंस है, वह धीरे धीरे नदी के किनारे पहुंचा, छोटा बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब ये हम आपको चार पांच और देंगे और इन सबको आप अपने कॉपी में इसी तरह से कॉलम बनाएंगे, ठीक है, और कॉलम बना करके आप उनको अलग अलग हिस्से में देखेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या सीखा? संज्ञा। संज्ञा पांच पहले बताइए, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, ठीक है। और जो संज्ञा की जगह यूज होता है वो क्या हुआ? सर्वनाम। और जो विशेषण, हाँ हाँ, संज्ञा की विशेषता बताए, संज्ञा के बारे में कि वो कैसा है, कैसा है, ठीक है। तो वो हो गया विशेषण, और क्रिया हो गया काम वाले शब्द, ठीक है। इज दिस क्लियर? समझ में आया सबको? अब हम आपको चार पांच सेंटेंस बताएंगे जो आप लोग इस तरह से अलग अलग लिखेंगे, और आप लोग ये गेम अपने आपस में खेलिएगा जो ये नेम प्लेस एनिमल थिंग वाला होता है, ठीक है, ठीक है। और इसमें भाव जो है बेटा, भाव आपको मालूम है, भाव होता है जैसे अच्छाई बुराई, है ना, ठीक है, ये भाव हो गए। तो आपको समझ में आया? पूरा समझ में आया? तो आपको हम सेंटेंसेस देंगे, इन सेंटेंसेस को आप इसी तरह से अलग अलग करेंगे, संज्ञा बताएंगे, सर्वनाम बताएंगे, क्रिया बताएंगे और विशेषण शब्द बताएंगे, ठीक है। और ये गेम आप आपस में खेलिएगा संज्ञा वाला, जिसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जाति का नाम, ठीक है। चार कॉलम बनाइएगा और इसमें आप लोग ये करिएगा, ठीक है। थैंक यू चिल्ड्रन।